ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜ ਤਾਂਤੇ ਕਰਨ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮਹਾਂਵਿਕਾਰ ਮੋਹ ਮਦ ਮਾਤੋ ਸਿਮਰਤ ਨਾਹੀ ਹਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜਪਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਤਿਨ ਕੇ ਦੋਖ ਜਰੇ ਸਫਲ ਦੇ ਤਨੀ ਓਈ ਜਨਮੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੰਗੀ ਰਲੇ। ਜੀਵ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਪ੍ਰਲਾਪ ਕਰਤਾ ਹੈ क्योंकि वह विकारों और मोह मद में लीन होकर के हरि स्मरण नहीं करता। ताके करण पला करे महाविकार मोह मद मातो सिमरत नहीं हरे। वह विकारों तथा मोह मद में लीन होकर के हरि स्मरण नहीं करता है। जो जीव साधु संगति में नारायण का नाम जपते हैं उनके सब दोष विकार जल जाते हैं। साध संगी जपते नारायण तिनके दुख जरे, उनकी देह सफल है, उनका जन्म धन्य है, वे प्रभु हरि के संग मिल जाते। सफल दे तनी ओई जन्मे प्रभु के संगी रली। चारों पदार्थ काम अर्थ धर्म मोक्ष एम 18 सिद्धियों से भी अधिक मोल साधु जनों की संगति का पड़ता है। चारी पदार्थ असठ दस सिद्धि सब उपरी साध पले। नानक जी उनके चरणों की धूली मांगते हैं तथा उनके दामन से लग करके उद्धार चाहते हैं। नानक दास तुरी जन बाछे उदरी लागी पल्ले। सारंग मेला पंजवा हरि के नाम के जन काखी मनी तनी वचनी एही सुखु चाहत प्रभ दर्सु देखी कब आखी। भक्त जन तो हरि नाम के आकांक्षी होते हैं। वे तन मन वचन से यही चाहते हैं कि कब प्रभु हरि को आंखों से देखने का सुख प्राप्त होगा। हरि के नाम के जन काखी मनी तनी वचनी एही सुखु चाहत प्रभु दर्सु देखी कब आखी। हे स्वामी जी, हे हरि जी, तुम अनंत हो पर ब्रह्म हो, तुम्हारी गति कोई नहीं समझता। मेरा मन तुम्हारे चरणों की प्रीति में बंधा हुआ है, उसी को मैंने सर्वत्र मान करके हृदय के भीतर छिपा लिया। तू बेअंतु पार ब्रह्म स्वामी, गति तेरी जाई न लाखी, चरण कमल प्रीति मनु पे दिया, करी सर्व सो अंतर राखी। वेदों पुराणों स्तुतियों एवं साधु जनों ने एक जबान यही बात कही है कि हे नानक जी, हरि नाम का भजन करो, द्वैत भाव की अन्य सब बातें मिथ्या है। वेद पुराण स्मृति साधु जन यही बानी रसना पाखी, जपी राम नामो नानक निस्तारिये, हरु दुतिया विथि साखी। सारक मेला पंजवा माखी राम की तू माखी, जा दुर्गंध तहां ते बैसी, मां बिख्या मद चाखी। ए माया, तू तो राम की मक्खी के समान है, जहां दुर्गंध होती है तो वहीं बैठती है और महाविषय विकारों के रस लेती रहती। माखी राम की तू माखी, जा दुर्गंध तहां तू बैसी, महा बिखिया मद चाखी। किसी भी स्थान पर तुम टिकने नहीं पाती, मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा। संतों के सिवा तुमने किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि संत प्रभु हरि के पक्ष में होते हैं। किथी अस्थानी तो टिकनु न पावी, ए विधि देखी आखी, संत बिनुते कोई न छड़िया, संत परे गोविंद की पाखी। संतों के सिवा तुमने किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि संत प्रभु के पक्ष में होते हैं। सब जीव जंतु तुमने मोह लिए हैं, संतों के सिवा और किसी को समझते ही कुछ नहीं। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि कीर्तन में रत होने से सुरती में शब्द को टिका करके सच्चे स्वरूप हरि को साक्षात किया।
जिए जंत सगले ते मोहे बिनु संतां किन्ने न लाखी नानक दासु हरि की तिनी राता सबदो सोती सच्चो साखी। सारंग मेला पंजवा। मायरी काटी जमकी फांस हरि हरि जपत सर्व सुख पाए बीचे ग्रसत उदास। हे मां हरि प्रभु का नाम जपने से मेरी यम की फांसी कट गई है। मायरी काटी जम की फांस और ग्रस्ती में ही निर्लेप होकर के सब सुख पा ली है। हरि हरि जपत सर्व सुख पाए बीचे ग्रसत उदास। प्रभु ने कृपा करके मेरा हाथ थामा है, मेरे मन में उसके दर्शन के लिए बड़ी तीखी इच्छा पैदा हुई। संत जनों की संगति में मैंने प्रभु का गुण गाया है जिससे द्वैत की आशा तृष्णा समाप्त हो गई। करी कृपा लीने करी अपने उपजी दरस प्यास संत संगी मिली हरि गुण गाए विंसी द्वितीया आस। गुरु संत ने उजाड़ वनों में से निकल करके सही रास्ता बता दिया। प्रभु का दर्शन पा करके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। गुरु नानक जी ने हरि रत्न पा लिया है। महा उद्यान अटवीते काडे मार्गु संत कहिए देखत दर्शु पाप सब नासे हरि नानक रत्नो लइए। मायरी अरियो प्रेम की खोरी दर्शन रुचित प्यास मणि सुंदर सकत न कोई तोरी। हे माँ मैं तो प्रेम की मस्ती में लीन हूँ, मन में सुंदर प्रीतम के मिलन की उत्सुकता है, उसके दर्शनों की लगन है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। मायरी अरियो प्रेम की खोरी दर्शन रुचित प्यास मणि सुंदर सकत न कोई तोरी। परमात्मा ही मेरा सर्वस्व है, वह परमात्मा ही मेरी पूंजी प्राण पति पिता पुत्र संबंधी सब कुछ है। प्रभु हरि के अतिरिक्त अन्य को जानने वाले अस्थियों के शरीर को धिक्कार है, वह मनुष्य विष्टा के कीड़े के समान है। प्राण मान पति पित सुत बंदप हरि सर्वसु तन मोर त्रिगु शरीरो असत विष्टा क्रिम बिन्नु हरि जानत होर। प्यो कृपाल दीन दुख बंजनु परापूर बला जोर। जब पूर्ण कर्मों का बल प्राप्त होता है तो दीन दयालु दुख बंजन प्रभु हरि जी कृपा करते हैं। गुरु नानक जी ने कृपा के भंडार की शरण ली है, अतः उसकी अन्य सब मोहताजियां चुक गई हैं। नानक सरनी कृपा निधि सागर विंस्यो आन निहोर। सारंग महला पंजवा। निकी राम की तुनी सोई चरण कमल अनोप स्वामी जपत साधो होई। राम नाम उच्चारण की ध्वनि अच्छी है। प्रभु राम के सुंदर चरण कमलों का ध्यान करने से मनुष्य साधु कहलाने योग्य हो जाता है। निकी राम की धुनी सोई चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होई। हरि दर्शन का ध्यान करने वाला अपने पापों को धो डालता है। जन्म मरण तथा विकारों के फूटते हुए अंकुर तब परमात्मा हरि काट देता है तथा जीव को मुक्त कर देता है। चितवता गोपाल दर्शन कलमला कद्दू तोई जन्म मरण विकार अंकुर हरि काटे छड्डे होई। पहले ही जिसके कमरों में कर्मों में लिखा है वही उससे मिलन प्राप्त करता। परापूर्वी जिसी लिखिया बिरला पाए कोई। गुरु नानक जी सत्य की खोज में परमात्मा के गुणों का नित्य स्मरण करते हैं। रमन गुण गोपाल करते नानका सच्चु जोई। सारग मेला पंजवा। हरि के नाम की मति सार हरि बिसारी जो आन राची मिथन सब विस्तार। हरि नाम जपने वाले जीव की बुद्धि श्रेष्ठ होती है।
हरि के नाम की मति सार। परमात्मा हरि के अतिरिक्त जो किसी में आसक्त होते हैं उनका विस्तार मिथ्या है। हरि विसारी जो आन राची मिथन सब विस्तार। साधु जन की संगति में स्वामी का भजन करो, उस हरि का भजन करो, इससे सब पाप दूर हो जाते हैं। प्रभु हरि के चरण कमलों को हृदय में बसा लेने से पुनः जन्म या मरण नहीं होता। साध संगमी पजु स्वामी पाप होवत खार, चरनार विंद बसाई हृदय बहरी जन्म न मार। कृपा करके तुमने केवल हरि नाम के आधार पर ही मेरी रक्षा की है। करी अनुग्रह राखी लीने एक नाम आधार। गुरु नानक जी कहते हैं कि रात दिन प्रभु हरि का स्मरण करने से मुख उज्जवल होता है और प्रभु हरि के दरबार में प्रतिष्ठा मिलती है। दिन रैनी सिमरत सदा नानक मुख उज्जवल दरबार। सारग महला पंजवां। मानी तू राम के दरी मानी, साध संगी मिली हरि गुण गाए, विंसी सब अभिमानी। तुमको राम के द्वार पर सत्कार मिला है, सत्संगति में रह करके तुमने हरि गुण गान किया है जिससे तुम्हारा सब अभिमान धुल गया है। मानी तू राम के दरी मानी, साध संगी मिली हरि गुण गाए, विंसी सब अभिमानी। गुरु के द्वारा पूर्ण ज्ञान पा लेने पर तुमने कृपा करके मुझे अपना लिया है। हे ठाकुर जी, हे प्रभु जी, हे प्रभु जी के दर्शन एवं ध्यान से समस्त सुखों की उपलब्धि हुई है। तारी अनुग्रह है अपनों करी लीनी, गुरुमुखी पूरी ज्ञानी, सर्व सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी। साईं के समीप बसने वाली सुहागिन जीवात्मा हर ओर लोक जनित हो जाती है, अर्थात संत महात्मा छिपे नहीं रहते हैं, वे प्रिय के प्रेम में पूर्ण आसक्त होती है, गुरु नानक जी उस पर कुर्बान जाते हैं। निकटी वतनी सा सदा सुहागनी, दै दिसी सच्ची साईं जानी, प्रिय रंग रंगी रति नारायण, नानक तिसु कुर्बानी। सारंग महला पंजवां। तू अचरण आसरो ईश, तुम ही पछानो साको तुम ही, संगी राखन हार तुम्हें जगदीश। हे ईश्वर, हे प्रभु जी, मुझे तुम्हारे चरणों का आश्रय है। तू अचरण आसरो ईश, मैं तुम्हारे ही तुम्हें ही अपना संबंधी संगी साथी रक्षक मानता हूं। तुम्हें ही जगत का स्वामी जानता हूं। तुम्हें पछानो साको तुम ही, संगी राखन हार तुम्ही जगदीश। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे कहलाते हैं, इस लोक और परलोक में सब जगह तुम ही रक्षक हो। तो हमरो हम तुम्हारे कहिए, इत्त तुम ही राखे। हे प्रभु जी, हे हरि जी, तुम बेअंत अपरंपार हो, सिर्फ गुरु कृपा से ही तुम्हें जाना जा सकता है। तो व्यंतु अपरम परो स्वामी, गुरु कृपा कोई लाखी। बिना बोले बिना कहे कहाए, तुम अंतर्यामी होने के कारण सब जानते हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसे वह दयावश अपने में मगन कर लेता है वह प्रभु के दरबार में प्रतिष्ठित होता है। विनु बकने विनु कैन कहावन, अंतर जामी जाने, जा कोई मेले ले प्रभु नानको, से जन दरगा माने। सारंग मला पंजवा। चौपदे करु पांज एकमकार सतगुर प्रसादी, हरि पजी आन करम विकार, मान महु ना बुज्जत तृष्णा, काल ग्रस संसार। खात पीवत हसत सोवत, औद बित्ती सार, नरक उदर प्रमत जलतो, जमी किन्नो सार। ऐ जीव हरि का भजन कर, उसके अतिरिक्त अन्य सब कर्म विकार है,
हरी पजी आन कर्म विकार। उनसे मान मोह शमित नहीं होते हैं, तृष्णा नहीं बुझती है और सारा संसार काल का ग्रास बनता है। मान मोहना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार। खाते पीते हंसते सोते सारी आयु बेखबरी में ही बीत गई। नरक रूप पेट में भ्रमता हुआ संताप सहन करता रहा और अंत में यमदूतों ने खबर ली, अर्थात यमदूतों ने दंडित किया। खात पीवत हसत सोवत औद वित्तीय सार, नरक उदर प्रमत जलतो प्रमी की निसार। पादरों करता फिरा हाथ झाड़ करके निंदा पाप में व्यस्त रहा। पर्दो करत विकार निंदा पाप रत कर चार। सतगुर के बिना मोह के महा अंधकार में पड़ा रहा, ज्ञान की सूझ नहीं हुई। बिना सतगुर बुझ नहीं तम मो मा अंधकार। विषय विकारों के ठग मुरी खा करके लुट गया हूं। मन में अपने सर्जक को कहीं स्थान नहीं देता। हाथी की तरह अपनी बुद्धि के अहंकार में मस्त रहा और भीतर गुप्त बन करके स्थित प्रभु हरि को नहीं पहचाना। भिखु ठगौरी खाई चूथो चिति नसित जनहार, गोविंद गुपत होई रेओ न्यारो मातंग मति अहंकार। परमात्मा ने कृपा पूर्वक अपने चरणों की टेक देकर के साधु जनों की रक्षा की है। करी कृपा प्रभु संत राखे चरण कमल आधार। गुरु नानक जी भी उसी गोपाल अर्थात परम पुरुष श्री कृष्ण की शरण में हाथ जोड़ करके उपस्थित है। कर जोड़ी नानको सरनी आयो गोपाल पुरख पार। सारक मेला पंजवा करु छे पड़ताल एकमकार सतगुर प्रसादी, शुभ वचन बोली गुण अमोल किंकरी विकार। देखुरी विचार गुर शब्द ते आई मैलो पाई, हरि संगी रंग करती महाकेल। हे जीवात्मा सदा शुभ वचन बोलो, ये अमूल्य गुण है। शुभ वचन बोली गुण अमोल। विकार क्यों पालती हो विचार करके देखो। गुरु के शब्दों का ध्यान करने से प्रभु के महलों में पहुंचते हैं, जहां प्रभु हरिपति के संग कल्लोल करोगी। किंकरी विकार देखूरी विचार, गुर शब्दों त्याई मैलू पाई, हरि संगी रंग करती महाकेल। ये जीवात्मा रूप स्त्री, ये संसार मिथ्या है, इसका समूचा विस्तार स्वप्नवत है। हे सखी माया के आकर्षण में क्यों मोहित हो, प्रीतम की प्रीति हृदय में सजग करो। सुपंदी संसारो मिथनी विस्तारो, सखी काई मोही मोही ली प्रिय प्रीति हृदय मेल। प्रभु तो समूचा प्रीति पुंज है, वे सदा दयालु है। अन्य अन्य में रुचि क्यों बनाती हो, हरि की संगति में लगी रहो। जब साधु जन की संगति प्राप्त हुई तो गुरु नानक जी कहते हैं प्रभु का ध्यान पुष्ट होगा और तब यमदूतों का भय चुक जाएगा। सरग सरबरी प्रीति प्यारू प्रभु सदा री दयारू, काए आन आन रुचिये हरि संगी संगी खचिये। ज्यों साध संग पाए कहूं नानक हरि त्याए, अब रहे जमी मेल। सारग मेला पंजवा कंचना बहु दत्त करा भूमि दानु अर्वितरा, मन अनेक सोच पित करत नई रे नाम तुली मन चरण कमल लागे।
बहुत सा सोना दान दिया, धरती को दान में अर्पित किया, मन से अनेक प्रकार की पवित्रता का ध्यान रखा, किंतु ध्यान दे प्रभु नाम तथा उसके चरण कमल में मन स्थिर करने के तुल्य कुछ भी नहीं है। मन अनेक सोच पित्र करत नई रे राम तुली मन चरण कमल लागे। चारी वेद जिह बने दस असट खसट श्रवण सुने, नहीं तुली गोबिंद नाम तुने मन चरण कमल लागे। चारों वेद मौखिक रूप से उच्चारित किए। 18 पुराण एम 6 शास्त्र कान से सुने, किंतु ये भी प्रभु हरि नाम की ध्वनि के तुल्य नहीं, मन को चरण कमल में स्थिर करने के तुल्य नहीं। नहीं तुली गोविंद नाम तुने मनन मन चरण कमल लागे। व्रत उपवास संध्या वंदन तथा चारों प्रकार का शोच निराहार तीर्थ यात्रा तथा अस्पृष्ट रसोई करना, नैवली कर्म का विस्तार, शारीरिक सोच तथा धूप दीप समर्पण आदि अनुष्ठान भी हरि नाम के तुल्य नहीं। भरत संधि सोच चार क्रिया कुंट निराहार, अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार, धूप दीप करते हरि नाम तुली न लागे, राम दियार सुनी दीन बेयत बेंती। तुम्हारे दास नानक को तुम्हारा नाम ही भाता है, हे दयालु उसकी विनती सुनो और दर्शन दो ताकि वह तुम्हें आंखों से देख सके। धूप दीप करते हरि नाम तुली न लागे, राम दियार सुनी दे दीन बेनती, देहु दर्सो नैन पेखू जन नानक नाम मिसट लागे। सारग महला पंजवां। राम 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 जापी रमत राम सहाई, राम के नाम का जप करो समरण से राम सहायक होते। राम 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 जापी रमत राम सहाई, संतों के चरणों की शरण में आने काम क्रोध मोह आदि के त्यागने से गुरु तथा प्रभु हरि दोनों की कृपा होती है और अपेक्षित तथ्य की प्राप्ति हो जाती है। संतन के चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे, गुरु गोपाल बय कृपाल लब्धि आपी पाए। भ्रम नष्ट होते हैं, इससे मोह का अंधकार दूर होता है, माया के बंधन टूटते हैं और सर्वत्र पूर्ण स्वामी दीख पड़ता है। विनसे ब्रह्म मोह अंध टूटे, माया के बंध पूर्ण सर्वत्र ठाकुर ना कोई बैराई। परिणामता कोई बैरी नहीं रहता, जीव निर्वैर हो जाता है, प्रभु प्रसन्न होते हैं, जन्म मरण का दोष कट जाता है और गुरु नानक जी का कथन है कि जीव संतों की शरण में आकर के परमात्मा हरि के गुण गाता है। स्वामी सुप्रसन्न पे जन्म मरण दुख गए, संतन के चरण लागी नानक गुण गाई। सारग महला पंजवा। हरि हरे हरि मुख बोली, हरि हरे मणि तारे, हरि का नाम उच्चारण करो, हरि नाम को मन में धारण करो। हरि हरे हरि मुखी बोली, हरि हरे मणि तारे, हरि नाम को कानों से सुनो, इसका जाप भक्ति करो, ये अनेक पापों का प्राचित है, अन्य सब प्रवृत्तियों को त्याग करके सच्चे संतों की शरण लो। श्रवण सुनन भगति करण अनेक पथिक पातिक पुनः चरण,
सरन परन साधु आन बानी बिसारे। नित्य प्रति हरि चरणों में लगाई प्रीति पावनों में भी पावन है। वह सेवक के भय दूर करती है, एवं कलयुग की मलिनता को जला डालती है। हरि चरण प्रीति नित्य नीति पावना मही महापुनीत। हरि नाम को उच्चारने वाले, हरि नाम श्रवण करने वाले मुक्त होते हैं तथा हरि नाम पर आचरण करने वाले जन्म मरण की चक्की से छूट जाते हैं। कहत मुकत सुनत मुकत रहत न जन्म रहते। राम राम सार भूत नानक तत्व विचारे। गुरु नानक जी कहते हैं कि जीवन का सार तत्व हरि नाम में ही विद्यमान है, राम नाम में ही विद्यमान है। राम राम सार भूत नानक तत्व विचारे। कहत मुकत सुनत मुकत रहत जन्म रहते। सारग मैला पंजवा। नाम भक्ति मांगो संत त्यागी सगल कामी। प्रीति लाई हरि ते आई गुण गोबिंद सदा गाई। हरि जन की रैन बाछो देन हर स्वामी। सर्व कुशल सुख विश्राम आंदा आनंद नाम। जम की कछु नहीं त्रास सिमरी अंतर जामी। हे संतों, समस्त कामनाओं को त्याग करके केवल हरि नाम भक्ति की मांग करो। नाम भक्ति मांगो संत त्यागी सगल कामी। प्रीतिपूर्वक परमात्मा का ध्यान करो सदा। प्रभु हरि का गुण गाओ, हरि जनों की चरण धूलि की वांछा करो। प्रीति लाई हरि त्याई गुण गोविंद सदा गाई। स्वामी सब कुछ कर देने योग्य है, मिलेगी। हरिजन की रैन बाछू दैन हार स्वामी। अंतर्यामी प्रभु के स्मरण से सब प्रकार की कुशल होगी, परम सुख मिलेगा। सर्व कुशल सुख विश्राम आंदा आनंद नाम। जम की कछु नाई त्रास सिमरी अंतर जामी। हरि नाम के आनंद पाओगे, यम दूतों का भय नष्ट हो जाएगा। परमात्मा के चरण शरण संसार के समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। गुरु नानक जी का कथन है कि साधु जन की संगति में मुक्तिदाता प्रभु हरि नाम की नौका मिल जाती है, जो संसार सागर से पार कर देती है। एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप हरण। नाव रूप साध संग नानक पार गरामी।